जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक व्यक्ति ने मुझसे राजयोग कैसे बनता है और इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, और उसकी जानकारी के अनुसार वो राजयोग, हंस योग और गज केसर योग को बहुत अच्छा मानता आ रहा है। इसके अलावा उसने किसी से सुना होगा कि एक भैरी योग भी होता है। अब भैरी योग क्या होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, इसकी जिज्ञासा उसने मेरे सामने प्रकट की। तो उसकी जिज्ञासा आप सबके सामने बताते हुए मैं आज अत्यंत बलशाली एक राजयोगकारी, मेरी नज़र में हर दृष्टि से भैरी योग बहुत उत्तम माना जाता है। भैरी योग की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, और भैरी योग वाले व्यक्ति बिरला ही मिलते हैं ऐसी जन्म पत्रिका में। गज केसरी योग वाले अधिकतर मिल जाते हैं, बुद्ध आदित्य योग वाले भी अधिकतर मिल जाते हैं, लेकिन भैरी योग वाले बहुत कम होते हैं, वो अत्यंत बहुत भाग्यशाली कहे जाते हैं। तो ये आगे विलंब न करते हुए मैं भैरी योग के बारे में बताता हूँ, भैरी योग कैसे बनता है। आप जानते हैं लग्नाधिपति, इतने दिनों से मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि एक से लेकर 12 तक कुंडली में 12 भाव होते हैं, और प्रथम भाव लग्न भाव कहलाता है। तो लग्न भाव का स्वामी शुक्र होना चाहिए। अब शुक्र कैसे होगा, या तो वो वृषभ राशि की कुंडली हो लग्न, या तुला राशि, वृषभ और तुला राशि का ही शुक्र स्वामी शुक्र होता है। इसलिए लग्न का स्वामी शुक्र होना चाहिए, वृषभ हो या तुला, इन राशि की कुंडली वाले व्यक्ति को भैरव योग बनता है। अब कैसे बनता है, तो इसका एक सीधा सी परिभाषा है, लग्नाधिपति शुक्र होना चाहिए और उसके जस्ट सामने यानी सातवें भाव में केंद्र योग होता है। शुक्र के सामने सातवें भाव, ये इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, शुक्र से केंद्र में गुरु होना आवश्यक है। गुरु कब होगा, आमने सामने कब होगा, पहला और सातवां। तो गुरु और शुक्र दोनों का आपसी दृष्टि संबंध होना चाहिए। तो लग्नाधिपति शुक्र हुआ और गुरु कोई सी भी राशि का स्वामी हो, लेकिन वो आपस में केंद्र में होना चाहिए। इसके अलावा नमो भाव का स्वामी, जैसे तुला राशि की कुंडली है तो नमो भाव 3 4 5 3 होगा, 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध, वो बलि होना चाहिए। तो कहने का मेरा यही अर्थ है, भैरी योग कैसे बनता है, भैरी योग लग्नाधिपति शुक्र और उसके केंद्र में जस्ट सामने केंद्र में बृहस्पति और नवम भाव का स्वामी अत्यंत बलि होना चाहिए। किसी पापी प्रभाव में, पाप प्रतियोग में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भैरी योग बनता है। भैरी योग के से क्या सुख मिलता है ये बताता हूँ। अधिकतर उच्च अधिकारी की कुंडली में भैरी योग कहलाता है। वो उच्च शासक अधिकारी हो सकता है और उच्च मंत्री हो सकता है, या व्यापार में है तो व्यापार में उच्च श्रेणी में आता है, तो उसके पास एक नहीं अनेक साधन से उसको आय प्राप्त होती है, ऐसा भैरी योग का लक्षण है। भैरी योग में उसको पत्नी सुख भी अच्छा मिलता है, पुत्र सुख भी अच्छा मिलता है, अनेक वाहन होते हैं, और मैंने बताया आय के तो कोई स्रोत की कमी है नहीं, और सब पे शासक करने वाला व्यक्ति ही भैरी योग वाला होता है। तो भैरी योग अत्यंत बलशाली राज योग कहलाता है। ये योग दुर्बल व्यक्तियों को मिलता है, भाग्यशालों को ही मिलता है। इसके साथ ही उसकी उम्र लंबी होती है और वो निरोगी होता है, वो कभी बहुत कम बीमार पड़ता है, उसको कोई रोग नहीं होता शरीर में। दीर्घायु, लंबी आयु को प्राप्त करने वाला, वैभवशाली जीवन जीने वाला, पत्नी और पुत्र का सुख भोगने वाला और अनेक साधनों से आय प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्य और सब पर शासक करने वाला, ये है भैरी योग के लक्षण। तो भैरी योग मैंने आपको बताया अत्यंत राज बलशाली योग कारक है। आप अपने अपनी कुंडली चेक कीजिए, यदि आपके भैरी योग है तो आप निश्चित तौर पर उच्च श्रेणी के, उच्च क्वालिटी के कम से कम अधिकारी तो बन ही सकते हैं और दूसरों पर शासन कर सकते हैं। आज इतना ही। भैरी योग के अलावा यदि आपकी रुचि रही तो आगे अनेक ऐसे योग बताऊँगा जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसके अध्ययन करना अति आवश्यक है। जय श्री कृष्णा।